महाराजगंज स्थित रामेश्वर धाम का 8वीं वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस एक सप्ताह चलने वाले वार्षिक उत्सव में रामायण कथा वाचने वेदही सुर भी पहुंची है। वही सुबह में वैदिक मंत्र से यज्ञ हो रहा है, साथ संध्या काल में रामायण कथा किया जा रहा है। वही वैदिक मंत्रोच्चारण पर पूरा माहौल भक्तिमय हो जा रहा है। मंदिर परिसर में रामायण कथा में चातकी वैदेही सुरभी ने अपने ओजपूर्ण प्रवचन से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दी। उन्होंने राम कथा की महत्ता व गुरु की महिमा पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाल रही है। वहीं बीच बीच में श्रोतागण को मनोरंजन के लिए भक्तिमय भक्ति जागरण की झांकी की प्रस्तुति भी की जा रही है। इस मनमोहक झांकी पर भक्त झूम उठते हैं। वहीं इस 8वीं वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए देश के अन्य राज्यों से भक्त पहुँच रहे हैं। वहीं कार्यकारिणी समिति के सदस्य अतुल सिंह ने बताया कि ये वार्षिक उत्सव हर साल मनाया जाता है, भक्तों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वहीं ये महाशिवरात्रि के दिन तक चलता है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती जी का विवाह के साथ समापन हो जाता है। इस रामायण कथा में हजारों की संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। करने हैं तो आप सब लोग यहाँ पावन पंडाल में एकत्रित हुए हैं। उस राम कथा का महात्म क्या है, उस राम कथा का प्रभाव क्या है, शक्ति क्या है, इसको बताते हैं आज बाबा भोलेनाथ। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कर तारी संशय बिहग पुरामन हारी। राम कथा क्या है, सुंदर ताली की भांति है। जैसे आप हाथ से ताली बजाते हो, उसी तरह ये राम कथा एक प्रकार से ताली है। कब, जब संशय रूपी पक्षी भगवान के किसी लीला, भगवान के किसी चरित्र, भगवान के किसी प्रसंग पर व्यक्ति को जब संशय होने लगता है, जब भी भगवान के किसी लीला पर शंका मन में उत्पन्न होने लगती है, तो संशय रूपी पक्षी को ये राम कथा ताली की भांति बन करके उस पक्षी को उड़ाती है। उस भक्त के मन से उसके उस संशय को मिटाने का काम राम कथा करती है। और राम कथा कली भी टप उठाई, ये कली काल मृत्यु कब होगी किसी को पता नहीं है। पता किसी को कब, कहां, किस समय, किस कारण से, कैसे हो जाएगी किसी को नहीं पता है। किसी को भी ये मालूम नहीं मृत्यु कब आ जाएगी। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ ना कि प्रतिदिन ऐसा जियो कि आज अंतिम दिन है। प्रतिदिन ऐसा जियो कि आज अंतिम दिन है। सूर्योदय हो तो समझ जाओ जन्म हो गया है। अब दिन भर हंसते मुस्कुराते गाते प्रेम से भाव से ऐसे बिताओ कि आज ही जीना है, इसके बाद मर जाना है। जब रात्रि बीत जाए पुनः, जब पुनः सवेरा हो, तो फिर से यही मानसिकता दिमाग में रखो कि महाराज आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन समझकर जब जियोगे तो आनंद जीवन का आपको प्राप्त होगा। और आज मृत्यु निश्चित नहीं कि कब होगी, किसी को नहीं पता है।